अंडररेटेड केदार जाधव ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। हाँ, आप में से कई लोग हो सकता है कह दें कि सर किसी को भी आप अंडररेटेड कह देते हैं, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का, हर आदमी अंडररेटेड। लेकिन नहीं जनाब, केदार जाधव अंडररेटेड हैं और उनके रिटायरमेंट पर आज हमें लगा हम आपको बताएं कि केदार जाधव ने क्या किया था जिसके लिए आपको उन्हें याद रखना चाहिए। वो जो आंकड़ों में नजर आता है वो भी, और वो भी कहानी जो आंकड़ों में नहीं नजर आती है। वैसे केदार जाधव ने तकरीबन 80 मैच खेले जिसमें 52 तो उन्होंने ओडीआई में खेला है, तकरीबन 1400 रन बनाए हैं, 42 का एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट और 25 विकेट भी निकाले। अब जो आदमी 42 के एवरेज और वनडे में 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, उसे आप बिलो एवरेज तो नहीं कह सकते। वो अच्छा प्लेयर है और खासतौर पर जब 6-7 नंबर पर आता, और उसके बाद हर दूसरे मैच में एक विकेट भी उनके नाम है, तो ये कहानी उनको अंडररेटेड तो बनाती है। लेकिन केदार जाधव की जिंदगी में और भी बड़ी कहानी है। जैसे सीएसके वाले उनको थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा, ऋतुराज गायकवाड़ को एक्चुअली में अगर किसी ने सीएसके को रिकमेंड किया था तो वो केदार जाधव थे। केदार सीएसके के लिए खेलते थे, ऋतुराज के बारे में उन्होंने कहानी सुनाई थी। इंडिया के लिए भी कई पारियां ऐसी खेली है जिसे आपको याद करना चाहिए। लेकिन फिलहाल केदार जाधव ने इंटरनेशनल मैच से, प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इंडिया के लिए 82 मैचेस खेले और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। एक स्लाइड शो शेयर किया जिसमें किशोर कुमार का गाना जो था वो बज रहा था, और उसी के बाद जब रिटायरमेंट की कहानी आई तो हमें लगा कि हम आपको बताएं कि केदार जाधव क्यों अंडररेटेड थे। 52 मैच में 1400 रन, 42 से ऊपर का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 2 बार शतक भी हैं, 6 अर्धशतक और 27 विकेट, जिसमें इकॉनमी उनकी सिर्फ 5.16 की थी। ये यहां से गेंद फेंकते थे ऐसे, इतनी दूर से, केदार जाधव। और केदार के रिटायरमेंट के बाद चर्चाएं शुरू हो गई थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके। लेकिन केदार की कुछ पारियां मुझे लगता है कि उन्हें हीरो बनाती हैं। जैसे सीएसके वाले उन्हें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, सीएसके के 9 विकेट गिर गए थे और ब्रेवो का आउट होना इंपॉर्टेंट मोमेंट पे, उसके बाद केदार जाधव जो इंजर्ड थे वो आए लंगड़ाते हुए और उसके बाद इस मैच को उन्होंने ख़त्म किया 9 विकेट गिरने के बाद। वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, आई थिंक सीएसके वालों को उनको 2018 में थैंक यू बोलना चाहिए, डिजर्व करते थे वो। 16-17 सीएसके बैन थी, 16-17 शायद बैन थी, हाँ उसके 18 में इन्होंने खेल किया था और ही वॉज अमॉन्ग वन ऑफ द हीरोज ऑफ 2018 सीएसके के लिए। केदार जाधव ऋतुराज को, जैसे हमने बताया ऋतुराज गायकवाड़ को रिकमेंड उन्होंने किया था, और शायद यही वजह है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जब केदार जाधव का रिटायरमेंट हुआ तो उनके लिए बाकायदा स्टोरी लगाई, थैंक यू बोला और केदार को अपने तरीके शुक्रिया किया। लेकिन मेरे हिसाब से केदार जाधव की जो सबसे मेमोरेबल इनिंग थी वो इंडिया की लेकर थी। इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, 350 सुपर रन बने थे और 351 रन इंडिया को बनाने थे, 63 पे 4 इंडिया के विकेट गिर गए थे, धोनी का विकेट गिरा था, विराट कोहली खेल रहे थे और उसके बाद केदार जाधव बल्लेबाजी करने आते हैं। केदार ने इसके बाद इंडिया को यहां से मैच जितवा दिया था, 76 बॉल पर 120 रन ठोके थे, विराट कोहली के साथ 200 प्लस रन की पार्टनरशिप की थी, विराट ने उस मैच में शतक लगाया था और केदार ने भी 76 बॉलों पर शतक लगाया था और 4 विकेट 63 रन पर गिरने के बाद अगर आप 351 रन बनाकर जीतते हैं तो ये हिस्टोरिकल मैच होता है और ये मैच इंडिया ने जीता और केदार जाधव इस मैच के बड़े हीरो थे। ये कुछ मैचेस ऐसे हैं जो शायद क्रिकेट फैंस, जो हार्डकोर क्रिकेट फैन हैं उनकी मेमोरीज में होंगे, बाकी लोगों की मेमोरीज फेड हो गई होगी, बट ये इंपॉर्टेंट कहानी और मुझे लगा कि केदार जाधव के बारे में आपको जानना चाहिए। केदार ने ये कहा कि यार मेरे करियर में काफ़ी प्यार मिला, थैंक यू आप सबका। RCB में लास्ट में गए थे, हालांकि वहाँ कुछ बहुत कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इंडिया के लिए इन्होंने 73 मैचेस, 9 T20 मैचेस खेले और 2014 से लेकर 2020 के बीच में ये एक्टिव थे। धोनी कप्तानी में अच्छा खेला था इन्होंने, 2019 वर्ल्ड कप में जब इंडिया सेमीफाइनल तक गई थी तब वहाँ पे ये थे इंडिया के लिए। 2020 में न्यूजीलैंड के सामने आखिरी अपना मैच खेला था और IPL में लास्ट टाइम ये RCB के लिए खेलते नजर आए थे 2023 में। दरअसल जाधव IPL में जियो सिनेमा के लिए कमेंट्री कर रहे थे मराठी में और उसी टाइम RCB ने इनको बुलाया, RCB से खेला इन्होंने, CSK के लिए खेला, 2 टीमें और थीं जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल जो है वो भी थे।
बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये अच्छे प्लेयर रहे हैं। आईपीएल में भी इनके 1200 प्लस रन हैं, 125 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 4 शतक है, लेकिन मेनली वनडे के हिसाब से ये अच्छे प्लेयर थे और अब कमेंट्री कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, वो वर्ल्ड कप इंडिया को जीतना चाहिए था बट इंडिया नहीं जीती, अगर जीत गई होती तो शायद इनका नाम भी हिस्टोरिकल प्लेयर्स में आ जाता जो वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर थे, लेकिन ठीक है अपनी अपनी किस्मत। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिसेंट प्लेयर थे, अच्छी परफॉर्मेंस है सीएसके के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए, और जब रिटायरमेंट हो रही है तो हम सबको इनका शुक्रिया अदा कहना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जाइए आगे अपना भविष्य संवारिए, आपने जो किया उसके लिए थैंक यू, और आगे भविष्य में आपको केदार जाधव शुभकामनाएं।